आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नो मेकअप मेकअप लुक। तो मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, जैसे कि हमें बाहर जाते हैं हम और अपनी डेली लाइफ में, जैसे हम रोज़ बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप करने का मन नहीं करता है। तो मैंने इसीलिए ये मेकअप लुक क्रिएट किया है और बिल्कुल सिंपल मेकअप लुक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपने मेकअप किया ही नहीं है। तो ये देखिए, मैंने ये मिस्ट लिया है गुड वाइब्स का, तो ये हमारे सूदिंग और कामिंग बनाता है हमारी स्किन को। तो मैंने इसे यूज़ किया है मेकअप से पहले, और इसे बिल्कुल ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे लोटस का मॉइस्चराइज़र लिया है, अपनी जो मेरी लोटस की क्रीम थी, स्किन वाइटनिंग जेल, तो उसे मैंने पूरे पॉइंट पॉइंट करके फेस पे लगा लिया है। अच्छे से मैं इसे पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना चाहिए अपनी स्किन को जब भी कोई मेकअप कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने फिटमी का फाउंडेशन लिया है। फिटमी के सारे फाउंडेशन बहुत अच्छे होते हैं, और ये जो मेरे पास फाउंडेशन है ये काफ़ी स्मूथ है, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, और इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और ऐसे मैंने पॉइंट पॉइंट करके पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है। फिटमी में ये खासियत होती है कि आप स्मूथली ये ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में, तो बिल्कुल आराम से मैंने अपने फिंगर्स से ही इसे ब्लेंड कर लिया है। तो आप पफ से करते हैं तो अच्छी चीज़ है, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, बट हैंड से भी कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत पैचिनेस लगेगा ही नहीं कि आपने, थोड़ी देर बाद आपको खुद ही फील होगा कि आपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर रखा है, ऐसा फील ही नहीं होगा। तो ये पूरे फेस पे मैंने इसे अप्लाई कर लिया है साइड साइड से, और जहाँ भी आपको थोड़ा डार्क लग रहा है, डार्कर लग रही है, आपको पता है कि अपने फेस के साथ में जैसे ईयर वगैरह में हमारे दिखते हैं, तो हल्का हल्का उसके ऊपर भी लगा लेंगे। और नेक को कभी अवॉइड नहीं करना है, फिर वरना नेक और फेस अलग अलग लगता है, और बिल्कुल नेचुरल दिखाना है मेकअप को, तो इसलिए पूरे अच्छे से पूरे फेस के ऊपर, ईयर्स के ऊपर सेम कलर होना चाहिए। तो इसे मैंने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है, जहाँ भी मेरा डार्कर एरिया था वहाँ पूरी जगह मैंने इसे अप्लाई कर लिया। अभी देखिए पूरे फेस पे अप्लाई हो गया है, लग ही नहीं रहा है कि मैंने फाउंडेशन लगाया था। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये कलर करेक्टर NYB का, तो ये मैं अपने आईज़ के पास जहाँ जहाँ हमारा थोड़ा डार्कर एरिया होता है वहाँ वहाँ मैं इसे लगा लूँगी। मेरा फेस ऑलरेडी स्लिम है तो मुझे इतनी कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है, तो अभी मैं साइड साइड से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने हाथों से। तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड हो जाए, आप जब भी लगा रहे हैं तो उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, वरना अलग अलग दिखेगा तो वो बहुत ख़राब लगेगा, पैचिनेस सी लगती है वो, तो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता वो। तो उसे ब्लेंड करने में आपको बहुत टाइम देना है, आपको ध्यान रखना है कि भले ही टाइम लगे बट लेकिन पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो अभी ये आईज़ के ऊपर मैंने अपने आई लिड पे ये अपना कंसीलर लगा लिया है, तो उसे जैसे मैं आँखों पे लगा लूँगी इसे तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, और थोड़ा डार्कर जो दिखता है आईज़ के ऊपर वो नहीं दिखेगा, तो बिल्कुल सेम लगेगी स्किन और आईज़ के ऊपर। साइड साइड से भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए पूरा ब्लेंड हो गया है फाउंडेशन और कंसीलर। अब यहाँ पे मैं स्टे कुर्की का ले रही हूँ ये कॉम्पैक्ट मुझे बहुत पसंद है, इसका एवरी शेड है और काफ़ी अच्छा ये कॉम्पैक्ट है, इजी पूरे फेस पे अप्लाई हो जाता है। तो कॉम्पैक्ट भी आप जब भी करो तो ब्रश से ही करिएगा, ब्रश से ज़्यादा बेटर लगता है मुझे करना फेस के ऊपर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मे की आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं पीछे की तरफ थोड़ा थोड़ा सा साइड साइड से इसे ड्रॉ कर लूँगी, जो सेंटर हमारा जो आईब्रो का पार्ट होता है, जो बिल्कुल आगे से पार्ट होता है, उसे मैं नहीं टच कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल नेचुरल दिखानी है अपनी आईब्रो। तो इसे मैं साइड साइड से ड्रॉ करके थोड़ा सा हल्का सा एक शेप दे दूँगी, मुझे बिल्कुल नेचुरल लगनी है तो मैं कुछ ज़्यादा कर ही नहीं रही हूँ इसमें। तो ये डन हो चुका है, बिल्कुल भी मैंने ज़्यादा टच नहीं किया, ज़्यादा मैंने इसमें ड्रॉ नहीं किया है, वरना बहुत अननेचुरल लगेगा। और बस ब्रश से हल्का सा इसे मैं शेप दे दूँगी, एक तो उसे बिल्कुल एक नेचुरल शेप आ जाएगा। अभी ये साइड साइड से इस तरीके से कर लेंगे, और उसके बाद मैं अपने जो काजल है मेरा, इसके अंदर की तरफ जो होता है वहाँ पे आप अंदर साइड से काजल को ज़रूर अप्लाई करें, उससे बिल्कुल नेचुरल लुक आ जाता है आईज़ का। ये लोटस का मस्कारा है, तो अब इस मस्कारा को मैं अपने
लैशेस पे लगा लूँगी। थोड़ा शेक करते हुए लगाएंगे आप तो पूरा अच्छे से पूरी मस्कारा पूरे फैल के लगता है और काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो दोनों आईज़ में मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी इसे। अभी मैंने लगा लिया है और अभी नीचे की तरफ मैं लगा रही हूँ, अपनी जो लोअर लैशेस हैं उनके ऊपर भी हल्का हल्का मस्कारा मैं अप्लाई कर लूँगी तो बिल्कुल नेचुरल लुक आएगा। काजल नहीं अप्लाई करना है आँखों में जब भी हम कभी नेचुरल मेकअप कर रहे हैं, नो मेकअप लुक कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिप बाम ले रही हूँ, तो ये लिप बाम मैंने अपनी आईज़ की जो मेरी आई लिड है उसके ऊपर लगाऊंगी। हल्का हल्का मैं इसे लगा लूँगी तो शाइनिंग थोड़ी सी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ कोई भी तरीके का आई शेडो, तो इसे बिल्कुल मैंने अपने हाइलाइटिंग एरिया के पास लगा लिया है। तो ये लिपस्टिक है मेबलिन की, ये लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। टचवुड ये लिपस्टिक का मैंने रिव्यू भी किया है, बहुत सुंदर लिपस्टिक है ये पिंक कलर की। तो मैं इसे अपने चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लश की जगह, तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल एक नेचुरल जो चिक पे हमारे जो एक रेडनेस होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो वो एक हल्का हल्का मैंने वो लगा लिया है साइड लुक के लिए, हम स्माइल करेंगे हंसेंगे तो साइड से काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अभी लिप्स को मैंने अपने अच्छे से पोछ लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, यही मेबलिन वाली बहुत अच्छी लिपस्टिक है, क्रीमी लिपस्टिक है और बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पिंकिश है, बहुत ओवर बिल्कुल लाइट मारे, बट लेकिन फिर भी ये लुक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें मुझे नेचुरल लुक नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे ये अपना फिटमी का फाउंडेशन है जो मैं इसे लगा रही हूँ, ये एक हैक, बहुत अच्छा हैक है ये। अगर कोई डार्क लिपस्टिक है आपकी, आपको बिल्कुल न्यूट कलर दिखाना है अपनी लिपस्टिक का, तो आप इस फाउंडेशन को जब भी आप कोई लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद अपने इस फाउंडेशन को आप लगा सकते हैं उसके ऊपर, कोई भी फाउंडेशन हो आपके पास आप उसे अप्लाई कर सकते हैं लिपस्टिक लगाने के बाद। तो ये देखिए, और उसके बाद टिश्यू से अपने लिप्स को डैप डैप करके आप पोछ लेंगे तो जो एक्स्ट्रा आपका जो भी अमाउंट होगा वो निकल जाएगा और उसके बाद देखिए कितना नेचुरल लुक आएगा। तो ये मेरा अपना एक मुझे अच्छा लगता है, मैं हल्का सा अंदर की तरफ पिंकिश इसमें देती हूँ थोड़ा सा लुक, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिपस्टिक लिप्स जो हमारे होते हैं उसमें हल्का सा अंदर की तरफ मैं ये हल्का सा पिंक कलर का लुक दे देती हूँ, तो हंसते टाइम या बोलते टाइम बहुत अच्छा लगता है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये मैं पूरी ब्रश से अपने पूरे फेस को फिर से लास्ट में टचअप ज़रूर करती हूँ, तो जिससे क्या होता है कि एक फिनिशिंग आ जाती है फेस के ऊपर और बिल्कुल एक नेचुरलिटी आ जाती है मेकअप में। अभी देखिए मेरा कितना छोटा सा कितना आसान सा मेकअप था जो कंप्लीट हो चुका है। ये है ब्लू हेवन का फिक्सर, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है फिक्सर तो आप अप्लाई कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे लॉन्ग लास्टिंग रहता है मेकअप तो फिक्स हो जाता है बहुत देर के लिए, आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा टचअप करने की। अब ये देखिए मेरा फाइनल लुक है। दिखा दिया है, बहुत ही कम सामान की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जितना भी आपके पास नॉर्मली जितना मेकअप का सामान सब गर्ल्स के पास होता है बिगनिंग में, उतना सारा सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। और जो मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ किया है लास्ट में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, बाकी चीज़ें ईजिली आपके पास अवेलेबल मिल जाएंगी। सब गर्ल्स के पास, टीनेज गर्ल्स होती हैं जो, जितनी भी गर्ल्स होती हैं ऑफिस गोइंग लड़कियाँ होती हैं, जितनी भी बाहर जाती हैं लेडीज़, उनको नेचुरल मेकअप ही अच्छा लगता है, क्योंकि रोज़ में हम डेली लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं करते हैं और बिल्कुल ऐसा मेकअप चाहते हैं कि हमारे फेस पे लगे भी कि हमने मेकअप किया है, बट लेकिन मेकअप जैसा ना लगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो अपनी जितनी भी फ्रेंड्स हैं आप उनमें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, मैं आगे भी इस तरीके के वीडियोस लाती रहूँगी मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।